आरा सलेमपुर रोड के बड़की सनदिया लोहापुल डायवर्सन पर बाढ़ के पानी के बीच डायवर्सन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। इस क्षेत्र की जनता कई सालों से नए पुल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जनता के सपनों पर पानी फिर गया। राजेश्वर पासवान, प्रधान महासचिव मुखिया संघ भोजपुर ने जिला प्रशासन द्वारा एवं सरकार द्वारा पुल ना बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। इस डायवर्सन के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 फीट पानी भी चढ़ जाता है। यहाँ के मंत्री हो, पुलिस प्रशासन हो या अधिकारी हो, टेम्पररी सॉल्यूशन को ये उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन समझ लिया है। और जनता को तो बस लोक लुभावन वायदे तो चुनाव में किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धरातल पर क्या होता है, आपके सामने ये तस्वीरें हैं। प्रत्येक साल होता है, कई सालों से पुल क्षतिग्रस्त और प्रत्येक साल यही होता है बाढ़ के टाइम में, बरसात के टाइम में, ये नई चीज नहीं है। और हम लोग चिल्लाते हैं, जिला प्रशासन के कान में जी थोड़ा सा जाता है, यही होता है। जेसीबी आएगा, फिर मिट्टी डालेगा, थोड़ा पत्थर डालेगा, चलेगा काम कम तो होगा। तो देखिए, विधायक सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं और जनता के ख्याल करने वाले हैं, वो तो मेरे ख्याल से इस पुल से प्रेम रखते होंगे, क्योंकि यह घनी आबादी है। और इस घनी आबादी में किसी अगर बड़े जनप्रतिनिधि का ख्याल नहीं है इस पुल पर, तो बहुत ही मैंने चिंता दुख की बात है। तो देखिए, जिला प्रशासन क्या कर रहे हैं इसमें, और टेक्निकल सेंक्शन कब तक ये पुल हो रहा है, कब तक निर्माण हो रहा है। तो हम लोग तो हर प्रत्येक साल चिल्लाते हैं, और एक कहावत है, इसे सुनाए कौन सुनाएगा, वही हाल है हम लोग। हम लोग रोड पर चिल्लाते थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये मेन मुख्य मार्ग है आरा से सलेमपुर तक, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ इस पर। देखिए, डीएम साहब आश्वासन, अभी डीएम साहब को मैसेज भी किया गया है, और इसे विभाग के पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और जेई से भी बात हुई है, उन लोगों ने आकर के मरम्मत करने का आश्वासन अभी दिए हैं। सरैया में जैसी भी थी वहाँ से आ चुकी है, हो सकता है कि चंद मिनटों में आकर के, और इसे जो डाइवर्सन को डिस्टर्ब हुआ है, गड्ढा हुआ है, इसको भरने का काम। अपना परिचय बता दीजिए। राजेश्वर पासवान।